साथियों, बीआरएस और कांग्रेस अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के की दो बाजू है। कांग्रेस ने 7 दशक में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जो मॉडल डेवलप किया, बीआरएस उसी पर चल रही है। दोनों की मंशा मिलकर राज्य की संपत्ति को लूटने की है। ये दोनों पार्टियां अपने बेटा बेटी को आगे बढ़ाने में लगी हैं, उन्हें आपके बेटे बेटियों की कोई परवाह नहीं है। बीआरएस ने सत्ता में आने के लिए जो बड़े बड़े वादे किए थे, उनमें से किसी वादे को पूरा नहीं किया। तेलंगाना की सरकार ने युवाओं के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। टीएसपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को 9 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ धोखा मिल रहा है। छात्रों ने वर्षों तक परीक्षा होने का इंतजार किया और जब परीक्षा का ऐलान हुआ तो पेपर लीक हो गया। बीआरएस की नाकामी ने तेलंगाना की एक पूरी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर दिया और ये हाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, राज्य में होने वाली हर परीक्षा में गड़बड़ी इस सरकार की पहचान बन गई है। आज युवा पूछ रहे हैं, बीआरएस के रोजगार के वादे का क्या हुआ? हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करके बीआरएस ने इस वादे को भी पूरा नहीं किया। आज भी तेलंगाना में टीचर्स के हजारों पद खाली है और हजारों स्कूल तो ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है। आप मुझे बताइए, तेलंगाना के युवाओं को धोखा देने वाली, उनके भविष्य से खेलने वाली बीआरएस सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? ये सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? इनको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? हर गांव गली से हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए?